अयोध्या जिले में कोविड संक्रमण के भय ने लोगों के मन से मानवता को ही खत्म कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि सामान्य मौत होने पर भी लोग अंतिम संस्कार में जाने से बच रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर देश के हर तरफ से आ रही है। अयोध्या में रिश्तेदारों व पड़ोसियों के सामने न आने पर बेटियों ने ही अपने पिता को कंधा दिया और अंतिम संस्कार भी किया। जनपद अयोध्या के शहरतगंज के रहने वाले चंद्रभूषण की सामान्य मौत हो गई थी। उनकी चार बेटियां हैं। यहां पर दो बेटियां ही मौके पर थी, दो अन्य बाहर थी। मौत के बाद बेटियों की मदद के लिए पड़ोसी या रिश्तेदार नहीं आए, लेकिन दोनों बेटियों ने अपने पिता को कंधा दिया और अंतिम संस्कार भी किया। समाज सेवी रितेश दास ने बताया कि उन्हें नगर निगम की तरफ से लावारिस लाखों व गरीबों का अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोजाना 100 से ऊपर शव यहां पर जलाए जाते हैं। आज जो बेटियां अपने पिता के शव को लेकर आई थी, जिनकी मदद के लिए खुद भी उन्हें कंधा दिया और सरायू तट पर मौजूद उनके अंतिम संस्कार में शामिल भी। मैं रितेश दास, गौ सेवक, नगर निगम अयोध्या के द्वारा हमें शमशान घाट पर नियुक्त किया गया है, जो कि मैं लावारिस असहाय जो भी व्यक्ति पीड़ित रहते हैं, जिनके पास लाश जलाने के लिए लकड़ी नहीं होता, तो उन्हें माननीय महापौर जी के द्वारा लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पर प्रतिदिन 100 संख्या से ऊपर लाश प्रतिदिन जलाए जाते हैं, जो कि आज एक दो बाड़ी ऐसा देखा गया कि लड़की खुद अपने कंधों से लेकर आ रहे थे और नगर निगम अयोध्या की गाड़ी से माननीय महापौर जी के द्वारा उनके घर लाश वाली गाड़ी मंगवा करके शमशान घाट पर लाया गया। फिर जो लड़की ला रही थी उनका मदद करा करके कंधा मैं स्वयं दे करके उनको सरजू नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं एक लड़का जो कि टेम्पू से अपने पिताजी की लाश जो है टेढ़ी बाजार चौराहा से लेकर आया शमशान घाट पर, वो भी गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ नहीं था, उसका भी अंतिम संस्कार सरयू नदी के किनारे किया गया है। प्रतिदिन जब से ये महामारी कोरोना चला है तब से 100 संख्या से ऊपर अयोध्या फटिक शिला शमशान घाट पर बाड़ी जलाए जाते हैं।